और फिर वो फरमा देने के मुसाफिर अपनी मंजिल का ध्यान कर, टुरिया किथे ते तू जाना किथे, आफताबे उमर सूए चाह शुद्ध कि जिंदगी दे रे सा ने ना सूरज तेरी जिंदगी दा एक खूह च जा के लग गया। कि मतलब फरमा देने के बुढ़ापा तेनू आंदा पिया और बुढ़ापे तो यहाँ शुरू होवे तो बंदा समझदा कि मैनू हुण मौत आनी है, कुछ लैन वास्ते आया है ते अपनी मंजिल ते तो तू पहुंचना ही आए। फरमा देने ते टाइम बड़ा थोड़ा रह गया कि जिंदगी मुख्तलिफ फानी चीज़ां दे वास्ते तू वकफ कर दिती और जिस वास्ते तेनू तखलीक किया गया है उस पासे तेरा ध्यान ही नहीं आया। फरमा देने के अफसोस ना कर ते बुजदिल ना बन, गो वक्त गुजर चुका है, टाइम जाया हो गया है, बुढ़ापे दे विच के जवानी दा काम कर जा। वाई दे वास्ते बंदा जिस वक्त बीजदा है ना ते बील जांदा है ते फिर उन्हूं वाह जोड़ के बी नूं सटदा है और वह बी इस वास्ते सटदा है कि फसल उगेगी और इसका झाड़ होगा और उस झाड़ दे नाल मैं अपनी जरूरियात नूं पूरी करांगा। ई कदर तुखमे के मां दस्तत बकार, आ जिहड़ा तेरा वजूद है ना ते जिसम है ना, फरमा दे इन दे विच एक सरमाया है और इन दे विच एक बी है और जिन्हों साह आख्या जाता। फरमा दे कि जिहड़ा जिंदगी का बी तेरे वजूद दे विच मौजूद है ना साह की सूरत दे विच, ये जिहड़ा जाया हो गया वह तो हो गया जाया। जनाब फरमा दे ने ई कदर उमरे के मां दस्तत बाबा, जिहड़ा कि रह गया ही ना इनू छेती नाल आखे इश्को मुहब्बत की जमीन दिल दे विच सट्टन की कोशिश कर के दिल का मूँह अपने महबूब अल कर लाया। तब रो जींद दो उमरे दराज, फरमा दे ने कि दो सावां दे विचों जमीन की वाही ते जे पिछेत्र होवे तो उनका झाड़ को नहीं हुंदा, थोड़ा हुंदा है। तो जे कोई पूछे भी उन्हां दी 60 मान है तो तेरी 30 मान ते 20 मान पे निकल दी, मैं लेट हो गया। और फिर वह फरमा दे ने कि जिस वाही की मैं गल पे करना ना उस वाही दे विच के लेट लूट कोई नहीं हैगा, के जेड़े सा रह गई ना बी रह गए छेती नाल के इश्क दी दुनिया सट्टन वाली गल कर, दिल दी जमीन च बीज की होवेगा। तब रोए जिंद दम उरे दराज, अखे इस दे विचो लम्मी हयाती पैदा हो जाएगी। इत्थे किल्लत कसरत नहीं, इत्थे कबूलियत है। जिसले वह कबूल फरमादा है तो फरमा देने कि वह दो साह जड़े ने उनके विचों लम्मी हयाती पैदा हो जाएगी। पिछली 80 साल गुल हो गई उसनू छड, अगर दो साह भी रह गई तो फरमा देने छेती नाल दिल का मूँह अपने महबूब अल्ले कर ताकि इन विचों लम्मी हयाती पैदा हो जाए। कुराने पाक चल्ला दी जात पाक ने इरशाद फरमाया, मन का ना युरीदु हसल आखिरा ते नजिद लहू फिर से ही, कि जेड़ा तलबगार है आखरत दी वाही दा असी अपने फजल व करम दे नाल उस दी वाही नू वधा देवांगे। अल्लाह पाक फरमादा मैं उस वाही नू वधा देवांगा करके वेख तू। व मन का ना युरीदु हसल दुनिया नू थी मिनहा, और जेड़ा शख्स खाश मान दे सिर्फ दुनिया दी खेती दा, फरमाया असी उसनों दा हिस्सा देवांगे। वा मा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, और उन्हां दे वास्ते आखरत च कोई हिस्सा नहीं। रूमी फरमा देने कि दो साह भी रह गई ना ते इस अफसोस च बई मेरी इन्नी उम्र जाया हो गई है। फरमा देने ना अफसोस ना कर, दिल दी जमीन दे विच खेस ईमान ते इश्क दा बीज सट्टन दी कोशिश कर के जेड़े साह बच गई वह बच जान तेरे। ते फरमा देने कि इन दे विचों ही अल्लाह दी जात पाक लम्मी हयाती पैदा कर, उस दे करम नवाजी दे अगे कोई मुश्किल नहीं कि जिस वक्त तो कबूल करे ते एक साह नू कबूल करे ते उस दे वास्ते भी उसकी कामयाबी।